इस तरह से सोयाबीन बड़ी आलू की सब्जी बनाने के लिए चलिए मेरे साथ। बहुत ही स्वादिष्ट, बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल। फटाफट से मैं बताती हूँ आपको खास ट्रिक और ट्रिक। नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पर। आज मैं आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाने जा रही हूँ, तो बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। सोयाबीन तो लगभग सभी को पसंद होते हैं, और एक बार इस तरह से बनाकर खा लेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे सोयाबीन ले लिया है, इसे न्यूट्रेला चंक्स भी बोलते हैं, सोयाबीन चंक्स, न्यूट्रेला, सोयाबीन बड़ी, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से बोला जाता है, हम लोग सोयाबीन बड़ी बोलते हैं। तो इसमें मैंने अभी 15-20 मिनट पहले गर्म पानी में डालकर छोड़ दिया था, देख रहे हैं, तो ये अच्छे से फूल गया है। तो इसे मैं अब निचोड़ लेती हूँ, इस तरह से निचोड़ के एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 आलू बॉयल लिए हैं इस साइज़ के, तो मैंने पहले से बॉयल करके छील लिया है। तो अब इसे पानी से निचोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सोयाबीन बड़ी को मैंने यहाँ पर अच्छे से निचोड़ लिया इसका पानी। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी इस तरह से सभी को, और ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें डालूंगी, यहाँ पे मैंने फेटा हुआ दही रखा है 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, इसे डाल देती हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, और साथ में डाल दूंगी लहसुन अदरक का 1 चम्मच पेस्ट, और इन सभी को अच्छे से मिला देती हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, मिलाकर मैरिनेट करके 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद इसे मैं सेलो फ्राई कर लूँगी, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, फिर मैं सेलो फ्राई करूँगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी का। तो देखिए 10 मिनट हो गया इसे मिलाया हुआ। तब मैंने गैस पर एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसमें इसे डाल दूँगी और फ्राई कर लूँगी। देखिए इसमें मैंने डाल दिया है, और इस चम्मच से मैंने 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला था सेलो फ्राई करने के लिए। इसे चलाते हुए मैं फ्राई कर लेती हूँ, और इधर मैंने आलू को भी कट कर लिया, इसमें भी थोड़ा सा हल्दी, नमक और मिर्च डाल देती हूँ, तो इसे भी हल्का सेलो फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा सेलो फ्राई करूँगी तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा न्यूट्रेला के साथ आलू का। देखिए लगभग ये फ्राई हो चुका है, इसी में मैं अब डाल दूँगी जो मैंने आलू कट करके रखे थे, और साथ ही मैं इसे भी फ्राई करूँगी, अलग से नहीं फ्राई करना है। इसी के साथ हल्का फ्राई करके मैं निकाल लेती हूँ। देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैंने आलू को फ्राई कर लिया है सोयाबीन बड़ी के साथ। अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफर निकाल लेती हूँ। तो देखिए एक बर्तन में मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है, आप चाहे तो सेम पैन में भी बना सकते हैं, मैंने दूसरा पैन का इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा। मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है, अभी गैस हाई फ्लेम है, जीरा चटक जाए उसके बाद 2 टू मीडियम कर दूंगी, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें 2 तेज़ पत्ते, दालचीनी के और गोल मिर्च के। उसके बाद मैं डाल दूंगी, जीरा चटक जाएगा तो हरी मिर्च, यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिया है 2 काट के, और ये मैंने कुछ करी पत्ते लिए हैं फ्रेश, तो मुझे ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लगता है करी पत्ता की सब्जियों में, इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। इधर जीरा मेरा चटक चुका है, तब मैं डाल देती हूँ हरी मिर्च, और गैस को 2 मीडियम फ्लेम कर देती हूँ, और साथ ही मैं डाल देती हूँ इसमें करी पत्ते। सही मसाले है मिला चुके हैं करी पत्ते भी, अब मैं इसमें डालूंगी, यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट करके रखा था इस तरह स्लाइसेस में, इसे मैं इसमें डाल देती हूँ, और डालकर इसे फ्राई कर लेती हूँ तब तक जब तक कि हल्का मुलायम लाल नहीं हो जाता, तब तक मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। देखिए हल्का प्याज मुलायम और लाल हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और इसे मिला लूंगी और भूनूंगी जब तक, जब तक इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता, तब तक मैं इसे भूनूंगी। तो देखिए प्याज के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भुना चुका है। तब मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, जिसे मैंने मिक्सी ग्राइंड कर लिया है, आप चाहे तो चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं, या चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट कर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने मिक्सी किया है। इसे डाल देती हूँ, डालकर अच्छे से मिला देती हूँ, और जो मिक्सी जार में लगे हुए हैं इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच पानी डाल के इसे मिला के इसमें डाल देती हूँ, डाल के
अच्छा 2 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ पहले, उसके बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी मैं इसमें। तो देखिए टमाटर को 2 मिनट मैंने भून लिया है, अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी। यहाँ पे धनिया पाउडर लिया है 1 चम्मच भर कर, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर लिया क्योंकि हल्दी पाउडर मैंने सोयाबीन बड़ी में भी डाला है, और 1 छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने सोयाबीन बड़ी में भी नमक डाला था इसलिए मैंने 1 छोटा चम्मच लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है मिर्च पाउडर, तो आप मिर्च तीखा भी अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सभी को मैं इसमें डाल देती हूँ, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, इन सभी को डाल के अच्छे से मिला देती हूँ। और मिलाने के बाद मैं तब तक भूनूंगी इन्हें जब तक कि इन मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो सभी मसालों को मैंने मिला दिया और मैं इसे ढक देती हूँ, और ढक कर लो टू मीडियम फ्लेम गैस को कर दिया मैंने, इसे बीच बीच चलाते हुए पकाऊंगी जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो देखिए मसाला कितने अच्छे से भुना गया, 6 से 7 मिनट लगा है भुनने में, नज़दीक से दिखाती हूँ, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये सब डालकर, सोयाबीन बड़ी और आलू को मिला दूंगी अच्छे से मसालों के साथ। तो देखिए 1 से 1.5 मिनट तक मैंने मसालों में डाल के अच्छे से भून लिया है सोयाबीन बड़ी को और आलू को, ताकि मसाले अच्छे से मिल जाए। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, पानी आप अपने हिसाब से जैसे आपको ग्रेवी रखना हो वैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कटोरा पानी इसमें डाला है क्योंकि सोयाबीन बड़ी पानी सोखता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ और एक बॉयल आने देती हूँ। तो देखिए सब्ज़ी में अच्छे से बॉयल आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखने से, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल लग रहा है ना होटल रेस्टोरेंट स्टाइल आलू सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, और वैसा ही स्वाद का लगेगा आपको, बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप घर का खा रहे, लगेगा जैसे कि रेस्टोरेंट होटल का खा रहे हैं। तो अब इस स्टेज में मैं डाल दूँगी इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और साथ ही मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी, इसे हथेली के बीच से क्रश करके मैंने लिया था, इसको अच्छे से मिला देती हूँ। और मिला के 1 से 2 मिनट तक मैं पकाती हूँ ताकि मसाले अच्छे से और ग्रेवी सोयाबीन बड़ी आलू में मिल जाए। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है, सोयाबीन बड़ी और आलू को पकते हुए कितने अच्छे से पक चुका है। तो तैयार हो गया मेरा सोयाबीन बड़ी और आलू की सब्ज़ी फटाफट से, बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल उसी स्वाद का। एक बार आप इस तरह से बनाकर खाएंगे तो आप बार बार इस तरह से बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो अगर पूरी वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।